विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के निमित्त में भिवंडी तालुका के शेलार गांव में पुरानायु हॉस्पिटल के सहयोग से शेलार ग्राम पंचायत सरपंच एडवोकेट किरण जी चन्ने के नेतृत्व में शेलार ग्राम पंचायत द्वारा मुफ्त महामेडिकल कैंप का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस मुफ्त महामेडिकल कैंप में टीबी, ईसीजी, डायबिटीज, आँखों की जांच, कैंसर सर्जरी, ब्लड प्रेशर, एचआईवी टेस्ट, हड्डियों की जांच सहित विभिन्न बीमारियों का चेकअप मुफ्त में किया गया और मुफ्त में दवाइयां भी दी गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर इस मुफ्त महामेडिकल कैंप का लाभ लिया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है और एक अनोखा अभिवादन देने का संकल्प शेलार ग्राम पंचायत ने किया था। आरपी सहयोग प्रकल्प भिवंडी, इनको हमने विनती की कि आप हमको सहयोग करें और आज जागतिक एड्स दिन भी है, इसलिए जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने मानव के उत्थान के लिए जिंदगी भर काम किया, उस बाबा साहब का विचार लेकर शेलार ग्राम पंचायत ने कोरोना के महामारी को देखते हुए लोगों को अच्छी तरह से दवाइयों का उपचार मिलना चाहिए, ये सोच रखकर आज यहाँ 10 बजे से भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे पूरे ग्राम पंचायत की सदस्य, सब ग्राम पंचायत का स्टाफ, सब लोग मिलकर यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में शेलार ग्राम पंचायत के परिसर में रहने वाले नागरिक यहाँ उपचार लेने के लिए आए हैं। यहाँ डायबिटीज़ की टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे, मुफ्त चश्मे दिए जा रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों को लेकर लोगों को मुफ्त में उपचार देने के लिए ग्राम पंचायत प्रयास कर रही है और लोग भी अच्छी तरह से योगदान दे रहे हैं। आमची मीटिंग झाली होती आता 2 दिवसापूर्वी, त्याच्यामध्ये सरपंच साहेबांनी आपण महापरिनिर्वाणानिमित्त एक भव्य असं आरोग्य शिबिर ठेवू असं मीटिंगमध्ये सर्व सदस्यांना कल्पना दिली। सर्व सदस्यांनी चांगली संकल्पना आहे म्हणून त्याला पाठिंबा दिला आणि आज ते आपल्याला प्रत्यक्ष तिथं अनुभवायला मिळत आहे। सर्व पूर्ण शरीराचे जे चेकअप आहे ते ग्रामपंचायत शेलारच्या वतीने आणि सरपंच साहेबांच्या डॉक्टरांचे जे संबंध है त्यांच्या सहकार्याने इथे हे आयोजित केलेले आहे। सरपंच साहब हमारा ऐसा एक आदमी है, हम तो बोलता है ये विश्व में नहीं है ऐसा आदमी। हमारे जैसे जब इसमें बैठा है ना सरपंच की कुर्सी में, तो इसे ऐसा नया काम लाता है। अभी देखो ये भी काम कितना अच्छा है, जितना आदमी है वो लूट करके नहीं लेगा और दूसरा भी काम उसका चालू है, काम करते बहुत अच्छे काम करते, काम सरपंच बाहर अच्छे है। रोड का काम भी हमारा हो गया और ये काम भी हो गया और भी काम आगे वाला होने वाला है, होएगा और करते इच्छुक है, अच्छा है, अच्छे आदमी है, सबसे अच्छा है। देखिए हमारे डॉक्टर अपने एडवोकेट किरण चन्ने साहब का ही काम ऐसा है कि इनके हमेशा लोगों की खिदमत करने का और लोगों के काम आने की हमेशा से इनकी भावना रहती है और इसी देखते हुए कोरोना की महामारी में भी इन्होंने पूरे थाना जिले में एक ऐसी ग्राम समाज सहला रहे जिसमें हमारे सरपंच साहब ने यहाँ पे कोविड एक सेंटर बनाया और ये भी बहुत सराहनीय काम था। पूरे तालुके में, पूरे ज़िले में नाम हुआ
चिन्ने साहब का, और ये भी एक उसी को उद्देश्य से लेकर जिस तरीके से आज बीमारियां बढ़ी हुई हैं और लोग दवाओं के में ज़्यादा परेशान है, उसी सब लक्ष्य को देखते हुए आज फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है बाबा साहब के इस दिन पर, और ये मेडिकल कैंप उनको समर्पित किया जा रहा है। और यहाँ पर गोर गरीब तमाम तरीके के लोग, गाँव के सभी लोगों का उपचार फ्री में किया जा रहा है, चश्मा, ACG, तमाम तरीके की जो भी उनको तकलीफ है उसकी दवाएं फ्री दी जा रही है। ये हमारे सरपंच साहब की बहुत ही सराहनीय काम है, इनकी बहुत सराहना करते हैं और हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आने वाले वक्त में इसी तरह ये सभी समाज के लोगों का भला और अच्छा काम करते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जब से इन्होंने संभाला तब से गाँव के लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं, और हमारे तरफ मीट पाड़े में लाइट का व्यवस्था जो नहीं था वो पूरा हुआ है, रोड का काम चालू हुआ है, गटर का काम चालू हुआ है, और गली में भी गटर का काम चालू हुआ है। ये सब यादगारे चीज़ है सर, आज तक कोई किया नहीं था। इसमें सर बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, आज तक ने ऐसा कोई किया नहीं था। हम लोग भी उसी सिलसिले में आए हुए हैं, हमको इतना दिल से अच्छा लग रहा है कि सरपंच को धन्यवाद देना चाहते कि ये अच्छा नेक काम किया। आज 6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के परिनिर्माण दिवस के शुभ अवसर पे इन्होंने ये जो कार्य किया ये सराहनीय है सर। नमस्कार, शेलार ग्राम पंचायत, माननीय ॲडव्होकेट किरण चन्ने साहेब यांनी आम्हाला खूप मदत केली आहे, आणि प्लस कोविड सेंटर वगैरे त्यामुळे आम्हाला जे कोरोना रुग्ण होते ते इथे संदर्भित करायला खूप मदत झाली आहे त्यांच्यामुळे, आणि गरोदर मातांना त्यांनी खूप मदत केली आहे, सोनोग्राफी, रक्त टेस्टसाठी त्यांनी वेळोवेळी त्यांना उपचारासाठी पैसे पण दिलेले आहेत, आणि आमचं कोरोनाचं लसीकरण असतं तिथेसुद्धा आम्हाला मदत म्हणून त्यांनी ग्रामपंचायतच्या वतीने आम्हाला खूप मदत केलेली आहे। आम्ही सर्व आशांतर्फे मी त्यांचे आणि ग्रामपंचायतचे आभार मानते। नाही, मेडिकल कॅम्प लागला उलट चांगली गोष्ट, ही अशा कॅम्प शिबिर आपल्या ग्रामपंचायतीने आयोजित केले पाहिजे जे जेणेकरून जे गरीब जनता आहे त्यांना हे म्हणजे पैशाअभावी ते उपचार करत नाहीत, एक्सरे, ACG वगैरे त्यांना त्या सोयी उपलब्ध होत नाहीत, ते उलट दरवर्षी 6-6 महिन्यातनं असे कॅम्प लागले गेले पाहिजे। गरीब लोकांना म्हणजे चष्म्याचा उपलब्ध झाला इथे, आणि खूप चांगले आल्यापासून बघते ना इथलं सगळं वातावरण पण खूप शांतता आणि सगळे व्यवस्थित प्रतिसाद देतात, आणि आमचे आशा वर्कर पण आहेत पण एकदम मस्त व्यवस्थित चालले इथे सगळ्यांना, म्हणजे अंगदुखीवरती पण औषध मिळते इथे, सगळ्या गोष्टी एक्सरे चालू आहेत, खूप छान आहे। कोरोना महामारीमध्ये चिन्ने साहेबांनी खूप अशी मदत केली, एवन म्हणजे असं पेशंट जरी आले वॅक्सिनसाठी की ते लाईनीला उभे असायचे, पण त्यांना एवढी त्यांनी मदत केली की घरच्यासारखं आलं त्याला नाश्ता, चहा, पाणी, मेन म्हणजे पाय यांचे उभं राहून त्यांचे पाय दुखायचे, त्यांनी इतकी चांगली सोय केली की असं पुढे असं व्यवस्थित करावं ही आमची पे। मेन जेव्हा आपल्याकडे जो खूप कोणी घराबाहेर निघायचे नव्हते तेव्हा चन्ने साहेब घरोघरी रोडला फिरून ना त्यांनी कोरोना महामारीचा लोकांना संदेश दिला का कोणी माणसाला एकमेकांना द्वेष करू नका, त्यांना सपोर्ट करा, हा त्यांनी मोलाचा संदेश दिला होता।